से यहाँ पर ये जो भजन संध्या आयोजित की जाती है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उसका आयोजन किया जाता है। साई बाबा संस्थान की ओर से कुछ बातें यहाँ पर हम लोगों ने साइड डिवोटीज के लिए की गई है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको सबको पता है कि आप जब शिरडी आते थे तो शिरडी में आने के बाद आपको दर्शन लाइन में घंटों तक रुकना पड़ता था। अभी बहुत सारे दिनों से जो लोग आए नहीं उनके लिए ये डिसीजन मैं बताऊंगा कि अभी हम लोगों ने वहाँ पर आपको दर्शन लाइन में रुकने की जरूरत नहीं इस प्रकार से सिस्टम बनाया है। हम लोगों ने अभी वहाँ पर टाइम स्लॉट दर्शन शुरुआत की है, आपको साईं बाबा का दर्शन सिर्फ आधे घंटे में मिल जाएगा इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। एक दूसरी बात, जो भी कोई साईं भक्त शिरडी में आएगा बाबा के मंदिर में जाएगा, मंदिर में आने वाले हर एक साईं भक्तों को छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत उसमें बड़ा भाव है हमारा, हम आने वाले सभी साईं भक्तों को यहाँ पर तिलक लगाना शुरू कर दिया है। मंदिर में जो भी कोई आएगा उसको बाबा का तिलक, चंदन का तिलक वहाँ पर मंदिर में लगवाया जाएगा, ये भी डिसीजन हम लोगों ने किया है। जो साईं भक्त दर्शन लाइन में आते हैं उनके लिए हम लोगों ने दर्शन लाइन में चाय, कॉफ़ी और बिस्किट ये भी मुफ्त में यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। इसी प्रकार का भी डिसीजन साईं बाबा संस्थान की ओर से लिया गया है। उसके बाद में दर्शन होने के बाद आपको कुछ एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने 20 एकड़ में 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा साई थीम पार्क। उस साई थीम पार्क में हम लोग जो बाबा का साई चरित्र है जिसमें 53 अध्याय से उसमें से एक एक पार्ट लेकर वहाँ पर हम लोग साई सृष्टि का निर्माण वहाँ पर करने जा रहे हैं, जो लाइट और साउंड द्वारे आपको जल्दी बाबा का जो जीवन काल है और बाबा के जो चमत्कार है, जो बाबा का सेवा है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार के बाबा ने जो संदेश दिया है सबका मालिक एक, उसके लिए हम लोगों ने सभी संतों का ऐसा एक वैक्स म्यूजियम वहाँ पर बनाने वाले हैं। और तीसरी जो बात रहेगी वहाँ पर एक तारांगन बच्चों के लिए बनाया रहेगा जिसके कारण वो रात को सभी जो ग्रह तारे हैं वो वहाँ पर देख सकेंगे। इस प्रकार से एक साई थीम पार्क का भी हम लोगों ने प्रपोजल पूरा किया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी साई बाबा की जो पवित्र द्वारका माई है और वहाँ पर जो धुनी है उस धुनी के लिए यहाँ पर जो गौरिया लगती है उसके लिए हम लोगों ने 25 एकड़ में एक गौशाला बनाने का भी यहाँ पर निर्णय किया है। आपको सबको पता है कि साई बाबा संस्थान की ओर से सबसे कम इसमें चाय मिलती है, 1 रुपये में हम लोग वहाँ पर चाय देते हैं और वो जो गौशाला से जो दूध आएगा वो हम लोग कैंटीन में यूज़ करेंगे और जो उसकी गौरी बनेगी वो वहाँ पर बाबा के पवित्र धुनी में हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने आपको पता है कि साईं बाबा का जो भोजनालय है, जो भंडारा चलता है, उसमें डेली 35 से 40 हज़ार लोग वहाँ पर भंडारा का लाभ लेते हैं। वो भंडारा हम लोगों ने पूरी तरह से सभी साईं भक्तों के लिए मुफ्त करवा दिया है। दूसरी बात हम लोगों ने की है कि बाबा का जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल हम लोगों ने चैरिटी के स्वरूप में वहाँ पर वो भी मुफ्त करवा दिया है, जो कि 25 करोड़ रुपए सालाना उसका हम लोगों को चैरिटी करते थे वो चैरिटी जो है हम लोगों ने अभी 50 करोड़ तक बढ़ा दी है। इस प्रकार से आए हुए सभी साईं भक्तों का ख्याल रखते हुए कुछ बहुत सारे डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं। ये हो गई बाबा के और उसके बारे में कमेटी की ओर से जो डिसीजन ले गए हम लोगों ने लिए है उसके बारे में जानकारी। और दूसरी बात जो हमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बतानी है वो है कि बाबा का 1 अक्टूबर 2017 से 1 अक्टूबर 2018 तक बाबा का समाधि शताब्दी वर्ष है। बाबा ने समाधि लेते हुए 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य पर शिरडी में बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। हम लोगों ने उसका जो बजट है वो 3000 करोड़ रुपए का वहाँ पर प्लान किया है। इस ईयर में सभी जगह पर बाबा के बड़े बड़े प्रोग्राम बनेंगे और मेगा इवेंट सब होने वाले हैं, उसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर शिरडी में की गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि बाबा की जो ओरिजिनल पादुका है जो सिर्फ साईं बाबा संस्थान के पास है वो भी हम लोग यहाँ पर दिल्ली में लेके आएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जीतू भाई और पारस भाई के माध्यम से यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जब बाहर निकलेंगे तो वो गुड़गांव में यहाँ पर लेके आने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे, नियोजन करेंगे। वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। इस ईयर में
बाबा ने जो वैश्विक दो मूल मंत्र दिए, श्रद्धा, सबूरी और सबका मालिक एक, इसका प्रचार हमें पूरे दुनिया में इस साल में करना है। आपको पता होगा कि 3 महीने पहले हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक साइट टेम्पल सबमिट किया। उस साइट टेम्पल सबमिट में जब हम लोगों ने डाटा कलेक्शन शुरुआत की तो हमें बहुत बड़ा यहाँ पर शॉकिंग डाटा वहाँ पर मिला है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भगवान के मंदिर अगर होंगे तो वो सिर्फ साई बाबा के। इंडिया में 5000 प्लस मंदिर का डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है और 100 कंट्रीज में 600 बाबा के मंदिर है। उसमें से भी एक मिरेकल ऐसा है कि जापान में एक ऐसा मंदिर है कि सब जापानीज ने एक साथ होकर वहां पर मंदिर बनाया है, उसमें एक भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं है। इस प्रकार से बाबा के मंदिर और बाबा का ये जो विचार है उसकी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसिद्ध हो रही है। मैं इसके अनुरूप आपसे विनंती करने आया हूँ कि समाधि शताब्दी वर्ष में हम आप सभी लोगों ने साई बाबा के दर्शन के समाधि के दर्शन के लिए आना है। आपकी सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर साई बाबा संस्थान की ओर से की जाएगी। आपकी रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्था यहाँ पर साई बाबा संस्थान की ओर से की जाएगी। मैं आपसे पुनः एक अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग शिरडी आ जाइए। ये जो बाबा का समाधि शताब्दी वर्ष है वो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कुंभ मेला से भी बड़ा इवेंट यहाँ पर ये समाधि शताब्दी वर्ष का मनाएंगे हम लोग। इस प्रकार से मैं आपको अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ, आप सभी लोगों ने इसमें सम्मिलित होना है। अगर और आपको साई बाबा संस्थान या शिरडी में कुछ भी बदलाव चाहते हो और आपने अगर कुछ सुझाव होंगे तो आप साई बाबा संस्थान को भेज सकते हैं। सभी सुझावों पर यहाँ पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, इस प्रकार का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। थोड़े दिनों में यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी शुरू हो जाएगा, आपकी कंप्लेंट्स हमें डायरेक्ट मिले इसलिए व्हाट्सएप नंबर भी आपको सभी साई भक्तों को दिया जाएगा। कॉल सेंटर शुरू हो के सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाली है। मैं पुनः से आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ और समाधि शताब्दी वर्ष में सभी लोग सम्मानित हो जाएं और बाबा का ये जो प्रचार प्रसिद्धि का कार्य है वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इतना अनुरोध करके मैं मेरे दोनों शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद भाई। आप सचिन जी ईमानदारी से सभी गदगद हैं, खुश हैं, प्रसन्नचित हैं, है ना जी? एक बार दोनों हाथ उठा के ताली, क्योंकि साक्षात हमें आप बाबा ही दिख रहे हैं। क्योंकि शिरडी से आकर के जो हमें निमंत्रण दे, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर पारस भाई को पता है, जीतू भाई को भी पता है, यहाँ पर आप सबको बताने में मुझे खुशी होगी कि अभी तक जितने भी विश्वस्त बने हैं साई बाबा के काल से, तब से सभी जितने भी ट्रस्टीज बने हैं सबसे कम उम्र का ट्रस्टी मैं हुआ आज तक। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम लोग ट्रस्टी बनेंगे, मेरे पास भी लोगों के प्रपोजल आए कि हम लोगों को ट्रस्टी बनना है, हम लोग ट्रस्टी बनेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि साई बाबा यहाँ पर बैठे हैं, उनकी जी इच्छा जब तक होती नहीं तब तक कोई ट्रस्टी बन नहीं सकता। और ट्रस्टी बनने के लिए किसी के नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है, हम बाबा के सेवक मरते दम तक रहने वाले हैं। साई बाबा की सेवा हमारा यहाँ पर काम, ये जो जिंदगी भर चलते आने वाला है, इसलिए हमें ट्रस्टी हम लोग रहे या ना रहे हमारा साई सेवा का काम हमेशा चलता रहेगा। और बाबा की इच्छा है वही यहाँ पर ट्रस्टी बनेगा, इसलिए उसके बारे में भी हम लोग ने ज़्यादा सोचना नहीं है। हम लोगों का ये साई सेवा का कार्य हमेशा चलता रहेगा। धन्यवाद।